दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंड डिफेंस एकेडमी में। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, नीचे आ रहा होगा लिंक, और बस इतना ही, ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक है हम अपना चेस्ट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, बहुत की प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या यार कि रनिंग करते करते बॉडी से फैट वेट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात आपको मैं हर वीडियो में देखो बताता हूँ, आपको भी समझ में आता होगा कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, डाइट डाइट डाइट, क्योंकि डाइट नेसेसरी है भाई। आप गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो आपको डाइट तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी मेरे भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। डाइट आपकी बेहतर नहीं होगी तो आपको बहुत दिक्कतें होनी पड़ेंगी, ठीक। अब आज की अगर बात करें हम लोग, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा वो समझते हैं। आज का टॉपिक है, हम आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा। मैं वो चीज़ें नहीं बताता हूँ भाई कि जो लिखी पड़ी आप 75 वीडियो में देख रहे हो, मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको। मैं देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो भाई, कुछ दिन तो बॉडी बिल्डिंग करी है, मतलब वर्कआउट करते रहे हैं इतने दिन से, तो कुछ नॉलेज तो हो गई है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आप हमेशा वही वर्कआउट कर रहे हो और आपको लग रहा है अगर कि उस वर्कआउट से मेरी बॉडी का पार्ट में, जिस पार्ट के लिए कर रहे हो उस पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप वर्कआउट चेंज करो, ठीक है। वर्कआउट का थोड़ा सा जो करने का ढंग है उसको चेंज करो, वर्क पूरा अपना गोल मत चेंज कर दो, रास्ते चेंज करो, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि आप वर्कआउट थोड़ा सा इनोवेटिव करो उसमें, ठीक है। कोशिश क्या करो कि तुम लोग खुद कर पाओ, कि वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़ा करे किसी की, बाकी तुम्हारा भाई है बताने के लिए। तो पहले तो हम बेसिक चीज़ आपको बताएंगे, जो सब आपने लिखा पढ़ा सब कुछ सुना होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो वो चीज़ आप देख लो, सिर्फ पुशअप्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट, आपको पता ही है, ठीक है। तो लेकिन करना क्या है, ठीक है, इसमें करना क्या है, शोल्डर के बराबर हाथ रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे जाना है, ऊपर आके सांस पूरा मुंह से छोड़नी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। आपको करना क्या है, आपको पूरा चेस्ट, मतलब एक बार आपने एक एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको करना क्या है, आप हाथ इधर रहें आपके, ठीक है, हाथ इधर से लाके जितनी देर हो सके आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है जितना हो सके उतना, ठीक, आगे की तरफ जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और होल्ड करके रखना है जितनी देर भी आपकी सांस अलाउ करती है, ठीक है। दूसरा है, भला ईंटें भी नहीं साफ सुथरे हैं यहाँ, ईंटों पर ध्यान ना देना भाई, मौज लो बाद में तुम लोग, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, दूसरी एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, देखो दो ईंटें लेने आपको, चेस्ट बाहर की तरफ, ये हाथ इधर और ये, एक बात ध्यान रखना, ये 100-100 ग्राम की ईंटें मत लेना, पूरा ईंटा ले लेना हो सके तो, ठीक है, पूरा ईंटा लेना, और कम से कम 12 से 15 ये जाके ऊपर स्क्वीज करना है, रोकना है बिल्कुल, ठीक है, ये ऊपर जाके रोकना है इसको। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज, इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थर्ड एक्सरसाइज भी, ठीक है। ये हो गया हमारा नीचे से चेस्ट उठा रहा है, अब देखो तीसरी, आपके पास कोई भी बेंच हो या कुछ भी हो आप वो ले सकते हो, मैंने ये अभी नहीं है मेरे पास तो इसको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये हाथ पीछे यहाँ तक लाने, उसके बाद तो यारे लग गई है, तो उसके बाद ये तीसरी एक्सरसाइज करनी है आपको, और कोशिश ये करना, देखो मेरे पास क्या है इस तरीके का है, आप कोशिश ये करना कि ये जो आपका पोस्चर रहेगा, ठीक है, इसमें चेस्ट आपका ये होना चाहिए, ये, ठीक है, इस टाइप का, क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं बन पाता ये चीज़, ठीक है। तो इसको आपको इस शेप में रखना है, आपकी बॉडी में भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए उसमें, आप इसमें आप लाइट वेट कर सकते हो। पुशअप्स आप जितनी आपकी लिमिट है उतना करो, ठीक है। बाकी ये जो दो एक्सरसाइज हैं बात की, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, इनमें 15-15 के, देखो क्योंकि 15 से कम अगर करोगे तो उसमें जो बॉडी है उसमें टेंशन नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी स्क्वीज नहीं होगी तो स्ट्रेच नहीं होगी, जब तक तब तक आपकी बॉडी में पंप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज 15-15 के 3 रेपिटेशन कर रहे हैं दोनों एक्सरसाइज के,
अगर वर्कआउट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि और किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, भारत माता की।